सर, सिर्फ चार पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा आप तो 40 बोलना नहीं, चार ही डिबेट पे क्या कहा सर आपने, नहीं सुना सर आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर 40 में वक्त नहीं है सर, चार ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना सर वरना क्या होगा कि न्यूरम्बर्ग रेस लॉज और इसराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा, आप उसको बचाइए सर। हाथ निकाल दिया, माननीय सदस्य मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो, ऐसी कार्रवाई से निकाल दिया जाए। श्री एस एस आलवालिया जी निकाल, अध्यक्ष महोदय।